मित्रों, आज हमने इस वीडियो में अपने दुधारू पशु के एक ऐसी जटिल समस्या के बारे में जानकारी दी है जिसका नाम है गर्भाशय में मरोड़ यानि यूटेराइन टॉर्शन। गुजराती में इसे गर्भाशय की आरटीबी कहते हैं। यह वीडियो अपने फ्रेश व्यू के अनुरोध पर बनाया गया है और यह वीडियो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलो मित्रों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप सबको मालूम है कि भैंस का ब्यांत 10 मास पर होता है। ब्यांत के समय वह अस्वस्थ होती है, बारों बार खड़ी होती है, नीचे बैठती है। तो जब गर्भाशय का मुख खुल जाता है तो भैंस का ब्यांत 1 से 2 घंटे में हो जाता है। लेकिन कई बार ब्यांत भी होता नहीं और ब्यांत के लक्षण भी बंद हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद अपना पशु स्वस्थ दिखता है। ऐसा होने पर हमें थोड़ी शांति होती है। लेकिन मित्रों, तुरंत ही दूसरे दिन फिर से ब्यांत के लक्षण दिखते हैं। अपना पशु उठ बैठ करता है, पैर पटपटाता है और उसे थोड़ा दर्द भी होता है। फिर घंटे 2 घंटे के बाद उसका दर्द बढ़ जाता है और मित्रों, ब्यांत भी नहीं होता। ऐसे वक्त हमें समझ लेना चाहिए कि कुछ तो भी गड़बड़ है और तुरंत ही सीनियर वेटरनरी ऑफिसर को बुला लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आकर प्रथम पशु को योनि मार्ग से चेक करते हैं। उसको चेक करने पर गर्भाशय का मुख तो हाथ में नहीं आता उनके, लेकिन गर्भाशय जो एक बाजू मरोड़ गया है वह हाथ में आता है। और मरोड़ के हिसाब से गर्भाशय का मुख हाथ में नहीं आता और इस मरोड़ के कारण गर्भाशय का मुख बंद हो जाता है और भैंस का ब्यांत नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या करें मित्रों? जानवर जनरली भैंस में मरोड़ दाहिने साइड पे ही होता है क्योंकि बाएं साइड पर भैंस का रुमेन होता है और वह बहुत बड़ा होता है। रुमेन पूरी लेफ्ट साइड कवर कर लेता है, इसलिए गर्भाशय में हमेशा राइट साइड ही टॉर्शन दिखाई देता है। तो मित्रों, यह टॉर्शन यानी मरोड़ होने का कारण क्या है? अपना पशु जब चलते चलते अचानक गिर जाता है तो गर्भाशय में मरोड़ आता है। अब तो दूर जंगल में चरने जाते हैं तब डूंगर पर से गिरने से भी गर्भाशय में मरोड़ आता है। यह शक्यता ज़्यादातर अपना पशु 7-8 मास का गाभिन होता है तब शक्यता ज़्यादा होती है इसकी। तो हम इसका उपाय क्या करें? मित्रों, पहले के समय में तो लोग अपने पशु को नीचे गिराकर उसे पलटियाँ खिलाते थे, तो कभी मरोड़ खुल भी जाता था और कभी तो मरोड़ खुलने के बजाय ज़्यादा मरोड़ आ जाता था और अपने पशु को ज़्यादा तकलीफ होती थी और केस भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। लेकिन अब मित्रों, अब अपने पशु डॉक्टर नए तरीके से मरोड़ का इलाज कर रहे हैं। वह मेथड है वुडन प्लैंक मेथड, यानी 7-8 फुट लंबी प्लेट होती है लकड़ी की और लगभग 1 से 1.5 फुट चौड़ी होती है। इसे वुडन प्लैंक मेथड कहते हैं। इस मेथड में पहले डॉक्टर साहब पशु को एग्जाम करके नक्की करते हैं कि अपने पशु को टॉर्शन है और वो भी राइट टॉर्शन है। तो पशु को उसके राइट साइड पर कास्टिंग करना पड़ता है, पशु के लेफ्ट साइड पर गुलांट खिलानी पड़ती है जिससे टॉर्शन सिर्फ एक ही गुलांट में एक ही ट्विस्ट में खुल जाता है और पशु को थोड़ी स्वस्थता प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया कैसी होती है मित्रों? तो देखो, प्रथम अपने गाभिन पशु को दोनों अगले पैर एक रस्सी से बंधकर फिर उसके पिछले दोनों पैर अलग रस्सी से बंधना चाहिए। धीरे से कास्टिंग करना चाहिए। नीचे ज़मीन पर पहले से ही घास रख देना चाहिए जिसके अपने पशु और अंदर के बच्चों को तकलीफ ना हो। पशु को राइट साइड टॉर्शन होने के कारण उसे उसके राइट फ्लैंक पर कास्ट करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कम से कम 8 से 10 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। पशु को कास्टिंग करने पर उसके पेट पर धीरे से लकड़ी की लंबी प्लेट जो 7-8 फुट की रखी जाती है और फिर उसके दोनों साइड पर एक व्यक्ति प्लेट को पकड़कर खड़ा रहता है। 2 व्यक्ति आगे मुंह पर और सिंह पर रहते हैं और 2 व्यक्ति भैंस के पैर की रस्सी पकड़े रहते हैं। एक को भैंस की पूंछ पकड़नी पड़ती है और एक व्यक्ति प्लेट पर खड़ा रहता है जिससे योग्य वजन प्लेट पर रहने से टॉर्शन खुलने में आसानी रहती है। डॉक्टर साहब भी नीचे बैठकर अपने हाथ से मूत्राशय में हाथ डालकर चेक करते हैं
और तुरंत ही सब लोगों को एक हल्का सा ट्विस्ट देने के लिए सूचना डॉक्टर साहब करते हैं और भेष को एक पूरा ट्विस्ट देते हैं सब लोग, जिससे एक ही ट्विस्ट से गर्भाशय का मरोड़ खुल जाता है। डॉक्टर साहब एग्जाम करते वक्त सब लोगों को टॉर्शन खुल जाने की सूचना देते हैं और फिर अपने पशु को खड़ा किया जाता है और फिर से डॉक्टर साहब पशु को एग्जाम करते हैं। उनको तसल्ली हो जाती है क्योंकि गर्भाशय का मुख भी खुल गया होता है और सब कुछ ठीक ठाक नज़र आता है, मूत्राशय से डिस्चार्ज भी चालू हो जाता है। मित्रों, अब डॉक्टर बच्चे के अगले दोनों पैर पकड़ गए और उसके बीच में बच्चे का मुंह भी एडजस्ट करके बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। और मित्रों, आपको जानकर अचरज होगा कि सिर्फ एक मिनट में ही एक छोटी और तंदुरुस्त बच्चिया का इस दुनिया में आगमन होता है और सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। मित्रों, यह प्रक्रिया पूरे होने पर डॉक्टर साहब अपना अगला कार्य यानी पशु की ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, माइपेक्स का एक बॉटल चढ़ाना पड़ता है, डेक्स्ट्रो भी चढ़ाना पड़ता है, इंजेक्शन नोवालजिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 20 ml इंट्रामस्क्यूलर देने पड़ते हैं और इंजेक्शन बेरामिल भी 10 ml दे देना पड़ता है। इस ट्रीटमेंट के बाद अपना पशु एकदम तंदुरुस्त नज़र आता है और फिर डॉक्टर साहब दूसरे दिन विजिट बुलाने को कहकर अगले विजिट पर निकल पड़ते हैं और हम भी इस वीडियो को पूरा करने की इजाज़त लेते हैं। मित्रों, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी वाले बटन को भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच।